हेलो गाइस, आप लोग फाइन। और आज की इस वीडियो में हमारे पास है ये बोल्ट की तरफ से बोल्ट ऑडियो बेस बड्स X1 ईयरफोन्स। तो इस वीडियो में इस ईयरफोन का मैं कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ, तो यार वीडियो को देखना पूरा अगर आप कोई ईयरफोन लेने की सोच रहे हो 300-400 रुपीज़ की रेंज में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप ये देख सकते हो, सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग है और बॉक्स के अंदर हम लोग को मिल जाता है अपना ईयरफोन, और उसके अलावा हम लोग को मिलता है ये एक वारंटी कार्ड जिसको आप यूज़ कर सकते हो वारंटी क्लेम करने के लिए। और साथ में हम लोग को मिल जाते हैं ये कुछ एक्स्ट्रा ईयरबड्स और ये इन ईयर सपोर्टर्स, और इनको भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको जो साथ में मिले हैं वो ओवर द टाइम ख़राब हो जाए तो। ठीक है, फिर हम लोग को जो मेन कंटेंट है वो है हमारी ईयरफोन्स। ये रेड कलर वाले ईयरफोन्स हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे सबसे पहले तो इसकी डिज़ाइन के बारे में बात करते हैं। तो सही है यार, मतलब जहाँ पे ये हम लोग को और भी ईयर सपोर्टर्स देखने को मिल जाते हैं लेकिन दूसरे ईयरफोन्स में, लेकिन इसमें हम लोग को यहाँ पर क्या है, एक आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे कॉलम से दिया हुआ है, तो ये जो है आगे पीछे नहीं होता है, तो बार बार इसका निकलने वाली ऐसी दिक्कत कोई नहीं आती है। और जिसका वायर है वो भी काफ़ी मतलब सही है रेंज को देखते हुए, मतलब ऐसे कोई ख़राब होने वाला नहीं है। ठीक है, और ये थोड़ा आगे से ऐसे मतलब डिज़ाइन देख रहे हो, ये आगे की ओर हल्का सा टर्न सा है, तो इन ईयर काफ़ी अच्छा फिट हो जाता है ये। और आप इसको यूज़ करोगे तो बाहर की जो नॉइज़ है वो भी नॉइज़ कैंसिलेशन का भी काम करता है, ये बाहर की नॉइज़ अंदर नहीं आती है। ठीक है, तो यार इसकी अगर वॉइस क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो वो तो डिसेंट है, मतलब 400 रुपये की रेंज के आसपास के ईयरफोन्स जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे ज़्यादा ही है, कम नहीं है। ठीक है, अच्छी साउंड क्वालिटी है, ये आपको क्लिप मिल जाती है सपोर्ट के लिए। साथ में माइक यहाँ पे है इसमें, ये माइक्रोफोन इसके ऊपर का ये, और इसके ऊपर ये बोल्ट का ब्रांडिंग दी हुई है, और पीछे की साइड यहाँ पे माइक्रोफोन है, और उसके नीचे यहाँ पे कॉल का ये सिंबल बना हुआ है, तो इसे कॉल भी रिसीव कर सकते हो और सॉन्ग्स नेक्स्ट वगैरह कर सकते हो। तो इसकी अगर मैं बात करूँ माइक्रोफोन के बारे में, तो गाइस इसका जो माइक्रोफोन है वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा इस ईयरफोन में, क्योंकि इस रेंज में जो और ईयरफोन्स हैं उनके माइक्रोफोन उतने ज़्यादा अच्छे काम नहीं करते हैं, मगर जो इसका माइक्रोफोन है बहुत परफेक्टली काम करता है, जो इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी बात मुझे लगी। उसके अलावा जो साउंड क्वालिटी है वो तो इसकी है ही सही, मैंने आपको बताया डिसेंट साउंड क्वालिटी आपको मिल जाती है। साथ में जो इसका 3.5 mm जैक है ये गोल्ड प्लेटेड है, गोल्ड प्लेटेड दरअसल साउंड के ट्रांसफ़र के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो ये गोल्ड प्लेटेड है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता है। तो ईयरफोन्स की जो क्वालिटी है बहुत सही है, तो अगर आप 300-400 रुपए की रेंज में आप ईयरफोन लेना चाह रहे हो, आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो आप डेफिनेटली इन ईयरफोन्स के लिए जा सकते हो, काफ़ी सही ईयरफोन्स हैं। और मैं खुद इनको अभी लगभग 3 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और काफ़ी मैं बार में इसका ऐसा फेंक देता हूँ या काफ़ी बार ऐसा खिंच चुका है ट्रैवल करते टाइम, लेकिन अभी तक कोई भी इसमें ऐसा फॉल्ट नहीं आया है, तो सही है यार। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।